सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो लुधियाना टाइम्स। मैं हाँ प्रवलीन कौर। पंजाब सरकार दे वल्लों हुण निगरानी ते ने बुटीक ओनर्स लुधियाने शहर दे, अमृतसर शहर दे, फगवाड़े दे, हुशियारपुर दे, और अगर गलबात कीती जांदी है अमृतसर, जलंधर, मोहाली, इन्हां सारियां शहरां दे विच बुटीक ओनर्स जिहड़े ने हुण सरकार दी रडार ते ने, क्योंकि गलबात कीती जांदी है GST चोरी दी। वड्डी खबर सामने आउंदी है, इक औरत दे वल्लों कंप्लेंट दर्ज करवाई जांदी है कि उस वालों किसी बुटीक ओनर नू जिहड़ा कि सूट सवाण वास्ते दिता जांदा है, जिस तों बाद उसनों 50,000 रुपए की रकम की मंग की जाती है। सूट सवाण ते जदों पैसे मंगे जांदे ने तां इस औरत दे वल्लों कंप्लेंट जिहड़ी है वित्त मंत्री हरपाल चीमा नू दित्ती जांदी है, और कहा जांदा है कि इस उत्ते जांच की जाए, क्योंकि कई बुटीक ओनर्स ने जिन्हां दे लैण देण दे संबंध या फिर बुटीक ओनर्स दे जिहड़े ने क्लाइंट्स आपां कह लईए उन्हां दे बाहर दे विदेशां दे विच रहिंदे ने, और उन्हां दे वल्लों ही बिना टैक्स भरे जिहड़ा कि बुटीक रन किया जाता है। वक्त वक्त थावां दे उत्ते बहुत सारे इदां दे डिजाइनर स्टूडियोज जिहड़े ने उह बने हुए ने, जो कि शायद टैक्स नहीं भरते, जिसका कि नुकसान अगर लगभग गिणती दे विच आया तां 100 करोड़ दी नुकसान जिहड़ा है सरकार नूं झेलना पवेगा। और सर्वे दे मुताबिक यह पता लग्या कि 782 जिहड़े ने बुटीक्स इन्हां वक्त वक्त शहरां दे विच स्थित ने, जिन्हां दे वल्लों कि GST जिहड़ा नहीं भरिया जाता या फिर कोई भी टैक्स जिहड़ा नहीं भरिया जाता, जिसका कि नुकसान सरकार नूं झेलना पै रहा है 100 करोड़ का। क्योंकि आपां सारे देखते हैं कि जिहड़े साडे प्रवासी भाईचारे दे विच रहिंदे ने या फिर विदेशां दे विच रहिंदे ने, उन्हां दे वल्लों जदों इत्थे आउंदे ने, भारत आते हैं, उन्होंने वालों अपने बुटीक दी सारियां चीज़ां इत्थों सवा के वह बाहर नूं लै जांदे ने, कोई भी कपड़ा होवे या फिर ऑनलाइन बिजनेस अजकल बहुत चलता है, इत्थों दी बुटीक ओनर्स जिहड़े ने कपड़े सिओ के बाहर दे देशां दे विच भेजदे ने, जो कि मोटी रकम भी अदा करदे ने, और टैक्स जिहड़े नहीं भरे जांदे। एक सूट का प्राइस जिहड़ा तुहानूं दस्सदा 50,000 रुपए जदों औरत नूं भरने पए, तां उसने वित्त मंत्री हरपाल चीमा नूं कंप्लेंट की, और मंग दी जिहड़ी मंग की है कि उसते जल्द तो जल्द जांच की जाए, क्योंकि काफ़ी बुटीक ओनर्स ने जिन्हों के वालों अपने बुटीक घर ही खोले हुए ने, और ऑनलाइन बिजनेस उन्होंने चलता है, और अच्छा खासा बिजनेस भी उन्होंने वालों जेकर टैक्स नहीं भरया जाता, एक एक डिजाइनर सूट के जे एक प्राइस जरा 50,000 या शुरुआत होंगी है, तो फिर इस दे पिछे वड्डी मोटी रकम टैक्स की भी जाती है। तो जानकारी इसकी यह मिली है कि हुण वित्त मंत्री हरपाल चीमा के वालों यह कहा गया है जल्द तो जल्द जिहड़ा है बुटीक ओनर्स के उत्ते कार्रवाई भी होगी, और टैक्स की पूरी जानकारी ठीक की जाएगी। जो एक कंप्लेंट दर्ज होती है तो इस बुटीक जाके सील भी कर दिता जाता है। हुण कार्रवाई पंजाब सरकार दे वल्लों इन्हां बुटीक ओनर्स दे उत्ते की कीती जांदी है आने वाले समय दे विच देखना होगा। मेरा नाम गुरजीत कौर है। मैम केड़ी जगह बुटीक है तुहाडी? आ मेरी इत्थे ही प्रीत बुटीक है, कुमार मंडी। किवें देखदे हो सरकार दे फैसले जिहड़ा हुण? नहीं, सरकार ने जो किया हो सकदा है वह वड्डियां मछलियां ने, असीं तां छोटियां मछलियां, छोटे दुकानदार हाँ, असीं तां उन्ना ही कमाने हां ते उन्ना ही असीं पेड भी करदे हां। जिहड़े बहुत लार्ज स्केल ते करदे होणगे उह चोरी भी करते हो, मे भी असी उन्हां नूं नहीं जानते हाँ, असी तो आपदे सारे रूल फॉलो करते पे हाँ, तो सारे रूल के हिसाब नाल जा रहे हैं। वैसे ही हुण ऑनलाइन काम लोग इन्ना करन लग पे ने कि साडी छोटी बुटीकां तो मैनूं लगता खत्म ही होंदियां जा रही, असी टैक्स पेड करते हाँ, असी भी 25 साल तो कर रहे हाँ, साड़ी टर्नओवर 20 लाख रुपया नहीं है, GST तो 20 लाख रुपए तो उपर अगर टर्नओवर हो बना भरता है ना, और जिहड़े टर्नओवर करते हैं उन्होंने पूछ सकती है सरकार, साड़ी तो टर्नओवर ही बड़ी छोटी है, और अस तो 5-5, 6-6 महीने वेले ही बैठे रहने, काम ही नहीं है, काम तो ऑनलाइन नहीं खत्म करता। करोना काल तो बाद कितनी कमा? करोना काल तो वैसे ही बुटीक वाले मारते हैं, करोना काल तो बाद ही कम धंधे का काम रह गया, कभी करोना काल आ गया, कभी नोटबंदी आ गई है, कभी GST आ गया, कभी कुछ आ गया, ये ऑनलाइन काम इन्ना चल रहा है कि सानू तो हुण समझ नहीं आ रही कि असीं अगे सरवाइव किवें करांगे। साडा थोड़ा बहुत जिहड़ा काम चलदा सी। की नाम है जी? कुलजीत कौर। अच्छा कित्थे दुकान है मैम? कुमार मंडी। अच्छा मैम, ये सरकार कहती है जी, कह सकते GST डिपार्टमेंट इस बार कहता कि जो बुटीक वाले ने उन्होंने उपर उन्होंने अख रखी हुई, कहते भी उन्होंने कारोबार जोड़े ने चेक करने या फिर वो जो टैक्स नहीं पे करते, कि देखते हो तुम इस? नहीं कोई गल नहीं, सरकार चेक कर ले, असी सारा कुछ पे कर रहे हैं, इदा की कोई गल नहीं हैगी कि असी टैक्स नहीं पे कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, असी इतने का जोड़ा साडा गवर्नमेंट वालों लाइसेंस इशू होया सी वह भी पे कर रहे हैं, हर साल वो जा रहा साडा वह भी। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 25-26 ਸਾਲ। ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਟ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ? ਕਮਾਈ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ
ज्यादा मिलन तो बाद भी सैटिस्फाइड नहीं, खाने दो फुलके ही है। नहीं, रोटी भी कितने मिल रही है, रोटी भी मुश्किल है, पर चलो रोटी भी उन्नी मिल रही है कि असी चलो अपने बच्चों भुखे तो नहीं ना रख रहे। फिर असी तो यही चाहते हैं कि सरकार कुछ यह कोई रूल लैके आए कि जिद साडे बच्चों अच्छी रोटी मिले, असी भी उन्हों का पालन पोषण अच्छा करिए, जिवें फैक्ट्रीज वाले इन्ना अच्छा कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया। देखो घर करते होंगे, असी अपने काम चो ही सानू टाइम नहीं मिलता, असी किसी के घर के जाके क्यों झाकना, ठीक है ना। असी तो यही कहने कि असी सैटिस्फाइड हाँ, असी बिल पे कर रहे हैं, असी टैक्स पे कर रहे हैं, असी पक्के बिल दे रहे हैं, इन्ने टाइम दे असी पुराने बैठे हैं। तुसी किसी नू भी मार्केट जाके पूछ सकते हो कि ये किदां दे बंदे आ, तुहानू वैसे तुहानू एक गल दसी है, त्यौहार तो हुण नाम दे ही रह गए, नाम दे रह गए है। अगे हुंदा सी रखड़ी आ गई, दिवाली आ गई, कोई काम चल रहा है तो पता लगता सी कि हाँ दिन त्यौहार आया साढ़े लहर पैर। हूँ तो ऑनलाइन सब कुछ चल रहा, कोई इन्ना आके पे ही नहीं कर रहा, जब अगले 500,000 च बाहरों चीज़ मिल रही है, वो साढ़े को आके 500,000 सवाई क्यों देगा। अगला कहता पहला असी 1,000 का सूट लियाइए फिर अगे करिए। कम घट गया, बहुत घट गया, कम बिल्कुल जीरो के बराबर है, पर फिर भी जीरो चो भी असी थोड़ी बहुत अपनी रोजमर्रा की जरूरत पूरिया औखिया कर रहे हैं। कच्चे बिलों का जिक्र आ रहा है कि कच्चे बिल दिते जा रहे हैं। नहीं जी, साड़िया कैश बुक्स पईआं, तुसी चेक कर सकते हो, पक्के बिल कच्चे बिल दिंदे हो होर तुहानू असीं पहले ही कहा सी किसी के घर के चार दीवारी क्यों इंटरफेयर करिए, क्यों देखिए ना, असी सानू पता है कौन किदां कर रहा है। सरकार का फैसला गलत है, कुछ बुटीक वालों लिए, सारे बुटीक वाले माड़े नहीं होंगे, सारे नहीं माड़े, हो सकता कुछ होने भी पंगा पै गया कि ट्रूडो सरकार ते कैनेडा सरकार ते इंडियन सरकार दा, उदे करके जेड़े साडे कस्टमर्स ने NRIs ने आना सी ओ भी आने बंद हो रहे हैं। सानू यही खबर आ रही है कि नहीं आ रहे। सरकारां नू चाहिए कि साडे गरीबां दा कुछ सोच के, बुटीकां वालियां ने एक साडी रोटी नहीं इकली चलदी बुटीक तों, साडे नाल सलवारां वालियां, साडे नाल कारीगर, साडे नाल तरपाईआं वालियां बहुत बंदा खड़ा है, जिहड़ा असीं मटीरियल लैंदे आ ना, उह मटीरियल भी देखो उह जांदा कित्थे है कि उह कई दुकानां तों मटीरियल आ कि एक कहिंदे ना असी एक इंजन आ ते साडे पिछे जिहड़े डब्बे लगे है ते पहिए है, ये असी 4-5 पहिए मिल के चलांगे ना तां ही गड्डी तुरेगी। कल्ली बुटीक एक बंदे दे मेरे सिर ते या इन्हां दे सिर ते नहीं चलेगी, ये चलनी है सारिआं दे सिर ते। सरकारां नूं रिक्वेस्ट है दो हाथ जोड़ के कि बुटीकां वालिआं दा इन्ना पट्ठा भी ना बिठाओ, कुछ सोचो साडे लई, नहीं जिहड़े लार्ज स्केल वालिआं दा तुसीं देओ। मेरा नाम छवी छिब्बर है। अच्छा, किहड़ी जगह दुकान है? एक कुमार मंडी पत्रा कॉम्प्लेक्स च। ते किन्ने क समय तो तुसी जेड़ा कारोबार करदे? मैं हो गए 2.5 साल हो गए ने। अच्छा मैम, इस बार GST डिपार्टमेंट वैसे तो जदों त्यौहार आउंदे ने हर वारी वख-वख किहड़े हुंदे आ कारोबार उहनां ते रीड करदा, इस वारी उहनां दी नज़र आ कहिंदे बुटीक हैगी कारोबार दे उत्ते, किदां देखदे हो कारोबार? सर कारोबार दा तां इदां आ, असीं तां पहलां ही पहले दिन तों जदों बुटीक खोली आ उदों तों ही आपां GST नंबर लिया होया, मेरा फर्म दे नाम तों है बुटीक ना, साश्वी एंटरप्राइजेस ते मेरा GST नंबर भी हैगा, हर महीने मैं रिटर्न भी फाइल करती हूं। ओ कहंदे जी जिवें बिल कच्चे दे कटे जांदे जां घट जिहड़ी आ टैक्स पे कीता जांदा जां घट रकम दे जिहड़े बिल कटे जांदे ने, पर कमाईयां ज्यादा ने। ठीक है, कमाईयां तां नो डाउट हैगियां ने बुटीक्स च, क्योंकि इत्थे जिहड़ी हैगी इह सारी NRI मार्केट काउंट हुंदी है। और जिवें हुण मैं भी कोई परचेजिंग करदी हां नज़ाकत तों, ब्लिस बाय बत्रा तों या वैरायटी स्टोर तों, असीं बकायदा बिल लैंदे हां अपनी फर्म दे नाम ते और बिल पे करते हैं। मतलब टोटली पक्के दा काम है, कोई वो चोरी चकारी नहीं है। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਟੀਕਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁਟੀਕਸ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ GST ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੁਟੀਕਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਟੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤਾ ਜੇਕਰ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜੋ ਪੱਕੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ GST ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਲੀਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਮੈਮ ਕੁਛ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦੁਕਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।